अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुगलाई चिकन पराठा घी राइस। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले अब हम मुगलाई चिकन बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये है 1 किलो चिकन। तो इसमें अब हम सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 4 टीस्पून। नमक 2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर 4 टीस्पून। मिर्च नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। मसालों को चिकन में अच्छे से मिला लेंगे। अब ये ढक्कन से कवर करके रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। और ये है 20 बादाम, 20 काजू और 20 पिस्ता। तो इसको हम अब पहले पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब ये पीसा हुआ पेस्ट बिल्कुल रेडी है, काजू बादाम और पिस्ते का। अब हम एक भगोने में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे प्याज को तलने के लिए। तो तेल की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि अब इसमें प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है। जैसे कि हम बिरयानी के लिए प्याज को फ्राई करते, बिल्कुल उसी तरह से हम प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे। 5 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और इसको बारीक अच्छे से काट कर तेल में इस तरह से तल लेंगे, बादामी कलर आने तक अच्छे से तलना है ये। और ये प्याज को तलेंगे हम मीडियम हीट पे। तो ये देखिए प्याज का जो कलर है बादामी कलर में आ गया, प्याज अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई। तो अब हम इसको निकाल लेंगे तेल में से, इस तरह से अच्छे से छान कर निकाल लेंगे। प्याज निकालने के बाद में अब हम इसमें से थोड़ा सा तेल भी निकाल लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा सा तेल इसमें भगोने में ही छोड़ देंगे और बाकी का हम निकाल कर रख देंगे। तो अब हम सेम तेल में साबित गरम मसाला ऐड कर लेंगे। तो साबित गरम मसाले में लेंगे हम 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, शाहजीरा 1 टीस्पून। अच्छे से मिला लेंगे हम ये तेल में। और इसके बाद में मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। अब ये चिकन को अच्छे से तल लेना है। तो इसको तलेंगे हम लगभग 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाना जब तक ये तलेंगे। 20 से 25 मिनट में ही ये चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए ये तला हुआ चिकन अब बिल्कुल तैयार है। चिकन को तलने के बाद में अब हम इसमें काजू बादाम पिस्ते का जो पीसा हुआ पेस्ट है वो ऐड कर लेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इस तरह से बाउल में, पानी भी ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मसाले ऐड करने के बाद में। और ये है इलायची पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, दही ऐड करेंगे 250 ग्राम, एक नींबू का निकाला हुआ रस, 4 स्लेट की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ कोथमीर पुदीना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब। और अब ये भून लेंगे हम 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। और ये जो तली हुई प्याज है इसको भी हम इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। तो 15 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेने के बाद में तली हुई प्याज ऐड कर लेंगे अब। थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना भी ऐड कर लेंगे।
आधा कप क्रीम ऐड करेंगे। तो क्रीम ऐड करने के बाद में अच्छे से मिला लेना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए पका लेंगे अब हम ये मीडियम हीट पे। तो 5 मिनट में ही ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। ऑयल सेपरेट हो जाने के बाद में हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे, यानी कि 5 मिनट तक क्रीम ऐड करने के बाद में पका लेना है और इसके बाद में हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए मुगलाई चिकन बिल्कुल रेडी है अब सर्व करने के लिए। अब हम बना के तैयार कर लेंगे घी राइस। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम यह है 1 किलो बासमती चावल। तो सबसे पहले हम चावलों को अच्छे से धोकर इसको आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे और इसके बाद में अब हम चावल बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए एक भगोने के अंदर घी ऐड कर लेंगे 100 ग्राम और 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम हीट पे, यानी कि ज़्यादा बादामी कलर आने तक फ्राई नहीं करेंगे प्याज को। तो प्याज को 1 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद में हम इसके अंदर 8 इलायची ऐड करेंगे, 4 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, शाहजीरा 1 टीस्पून, नमक ऐड कर लेंगे 3 टीस्पून। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते। किशमिश ऐड कर लेंगे 3 टेबलस्पून, बादाम ऐड कर लेंगे 15 से 20, तो बादाम को भी हम आधे आधे टुकड़े करके ऐड करेंगे, 15 से 20 काजू ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने के बाद में लो हीट पे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, यानी कि ड्राई फ्रूट्स का हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। तो 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद में अब हम पानी ऐड कर लेंगे 1 लीटर, थोड़ा सा कोथमीर पुदीना और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और अब हम बॉईल होने के लिए रख देंगे अदहन को। तो जैसे ही ये अदहन पकना शुरू हो जाएगा हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर लेंगे। चावल ऐड कर लेने के बाद में अब हम इसको पकाएंगे मीडियम हीट पे। और चावलों में जब अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाएगा हम इसको इस तरह से चमचे से हिलाते भी जाएंगे। चावल के अंदर का जो पानी है वो पूरा अच्छे से ड्राई होने तक ये पका लेना है। तो पानी लगभग अच्छे से पूरा ड्राई हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चावलों को हम अच्छे से इस तरह से बराबर कर लेंगे और इसके बाद में इसको ढक्कन से कवर करके दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। जो भी बचा हुआ पानी है वो पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा, चावल भी अच्छे से दम हो जाएंगे। और अब ये घी राइस बिल्कुल रेडी है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। पानी जो था जितना भी पूरा ड्राई हो गया, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। घी राइस बन के तैयार हो जाने के बाद में अब हम पराठा बना लेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। मैदा लेंगे 500 ग्राम, आधा टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को गूंद लेंगे। आटे को अच्छे से सॉफ्ट गूंद लेना है। तो ये देखिए अब ये जो आटा है अच्छे से सॉफ्ट गूंदे गया। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और फिर से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। अब ये आटा अच्छे से गूंदे गया तो अब हम इसके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी रोटियां बेल लेंगे, सूखे आटे में डस्ट करेंगे थोड़ा सा, इस तरह से बेल लेंगे। बेलने के बाद में अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद में अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
तो इस तरह से अब हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे पराठा बनाने के लिए। तो इसको हम पतला नहीं बेलेंगे, मोटा ही बेलेंगे। इस तरह से बेल लेना है। अब हम इसको सेक लेंगे। इस तरह से पराठे को सेक लेंगे हम। अब इसके ऊपर बबल्स आने के बाद में हम इसको पलटा लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, अच्छे से सेक लेंगे इस तरह से। पलटा कर भी सेक लेंगे अच्छे से। तो इसी तरह से अब हम सारे पराठों को सेक लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। पराठे बनके तैयार हो जाने के बाद में अब हम ये डिश आउट कर लेंगे। तो मुगलाई चिकन को हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे नींबू, कच्ची प्याज और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीर के साथ में, और घी राइस को भी हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे बारीक कटा हुआ कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च और तली हुई प्याज के साथ में। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।